हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में कि वो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है. ओके, और वो ज़्यादातर देखने को मिलता है इन वुमेन. वुमेन में वो ज़्यादातर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन. और माइग्रेन वो यूजुअली वन साइड हेडेक होता है, जो वो बहुत ही पावरफुल हेडेक होता है. सो स्टार्ट करते हैं. माइग्रेन इज़ अ डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम. माइग्रेन इज़ अ सीवियर एंड पेनफुल हेडेक वुमेन ग्रेटर देन मैन. ओके, वुमेन में ज़्यादातर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मैन. और नॉर्मल हेडेक भी होता है, माइग्रेन वाला हेडेक. तो वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये माइग्रेन हेडेक है और ये नॉर्मल हेडेक है? सो यहाँ पे एक डिफरेंस है. नॉर्मल हेडेक में क्या होगा कि हेडेक्स कॉज पेन इन इन द हेड, फेस एंड अपर नेक. ओके, सो हेड, अपर नेक, फेस में वो नॉर्मली पेन होगा हेडेक में तो. और माइग्रेन में क्या होता है, वो सीवियर पेन है. ऑलवेज वन साइडेड पेन होगा हेड में. देन थ्रोबिंग हेडेक. थ्रोबिंग मीन्स के फॉर एग्जाम्पल पेन का कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड होता है पेन. जैसे कि पल्स रेट कैसे होता है, धक धक ऐसा होगा पेन. पेन उस तरह से वर्क करेगा, ठीक है. वो पेन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक्सपांड होगा, तो वो थ्रोबिंग हेडेक है. और माइग्रेन हेडेक में होगा सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड. जो माइग्रेन को पेशेंट होता है, जब उसको माइग्रेन का अटैक होता है, तो वो पेशेंट सेंसिटिव हो जाता है टू द लाइट एंड साउंड. अब है माइग्रेन ट्रिगर्स, कि कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जिससे माइग्रेन प्रोड्यूस हो सकता है. तो फर्स्ट है इंक्रीज द स्ट्रेस. स्ट्रेस वाली लाइफ वाले पेशेंट को माइग्रेन जल्दी हो जाता है. चेंजेस इन स्लीप पैटर्न. देन सम हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल फ्लक्चुएशन ऑफ इस्ट्रोजन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमन. सो ये थे माइग्रेन ट्रिगर्स. नेक्स्ट है माइग्रेन के टाइप्स. सो माइग्रेन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, एक विथ ऑरा और एक विदाउट ऑरा. सो ये प्रोसीडेड बाय ऑरा एंड माइग्रेन विथ ऑरा. सो ऑरा मीन्स क्या होता है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है. फॉर एग्जाम्पल आई माउथ एंड हैंड को लेके जो सेंसरी एक्सपीरियंस पेशेंट को होता है, तो वो है प्रोसीडेड बाय ऑरा और माइग्रेन विथ ऑरा. सो विजुअल सिम्टम्स मीन्स के देखने में उसको क्या प्रॉब्लम होगी, तो फ्लिकरिंग लाइट्स, स्पॉट्स लाइक इमेज इन मीन्स कि उसको धब्बे जैसा दिखाई देगा, ऐसा उसको फील होगा, इमेज होगा, ठीक है, उसको धब्बे दिखाई देंगे. देन लॉस ऑफ विजन. तो ये विजुअल सिम्टम्स है जो आँखों को लेके उसको सेंसरी चेंजेस होता है, तो ये है विजुअल सिम्टम्स. देन सेंसरी सिम्टम्स में क्या होगा, सेंसरी मीन्स कि उसको हाथों में नीडल चुभते हो ऐसा फील होगा. देन नंबनेस. नंबनेस का मतलब खालीपना जैसा फील होगा उसको. ओके, देन है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में स्पीच. तो उसको स्पीच चेंजेस होगी, स्पीच प्रॉब्लम्स होगा. और दिस टाइप ऑफ माइग्रेन अटैक का पीरियड होगा 5 to 60 minutes. ओके, सो ये था प्रोसीडेड बाय ऑरा मीन्स कि उसको सेंसरी एक्सपीरियंस होगा. तो ये था माइग्रेन विथ ऑरा. सेकंड है माइग्रेन विदाउट ऑरा. सो ये 85% पेशेंट में देखने को मिलता है. ये बहुत कॉमन है, इट इज़ अ वेरी कॉमन. इट इज़ ओनली, इसमें क्या होगा, सिर्फ वन साइडेड हेडेक होगा. देन नॉजिया वॉमिटिंग होगी. ये नॉर्मल वाला माइग्रेन है. सो ये रहेगा 4 to 72 hours तक. ओके, सो ये था माइग्रेन विदाउट ऑरा. अब आते हैं उसको न्यूरोबायोलॉजी पे, मीन्स कि उसकी मैकेनिज्म कैसी है माइग्रेन की. सो जैसे कि ये ब्रेन है, उसके 4 lobes होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरिएटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब. ये है ब्रेन स्टेम. ये पूरा कॉर्टेक्स है. सो स्टार्ट होता है ट्राइजेमिनल नर्व, जिसको TGN बोलते हैं, ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिवेशन. सो TGN बिकम एक्टिव. द नर्व हैज ब्रांचेस इन फेशियल मसल्स लाइक टीथ एंड साइनस. जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसके ब्रांचेस है. यहाँ पे फेस है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे टीथ, साइनस, वहाँ तक उसके ब्रांचेस होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व से, नर्व के. तो वो मैसेज को ट्रांसफर करता है और लेके आता है ब्रेन स्टेम में. ओके, सो ट्राइजेमिनल नर्व इंफॉर्मेशन टू द ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन स्टेम. आफ्टर दिस, जब ट्राइजेमिनल नर्व एक्टिव होते हैं, तो उससे क्या होगा कि नर्व में VIP सब्सटेंस P, CGRP ये न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज हो गए. सो
VIP means ke vessel activate inhibitor peptide, sub P means ke substance P, and CGRP means ke calcitonin gene related peptides. Okay, after trigeminal nerve peptide release, after TGN activation, these peptide neuropeptides are released. Okay, so either hai, due to activation of TGN, the above neuropeptides are released. Okay, so ek taraf ye release hoge aur dusri taraf hoga cortical spread depression. So wo kahan hoga? Yahan pe occipital lobe mein cortical spread depression hoga. Usme hoga electrical activity in which electrical signals spread all over parts of cortex. जैसे कि यहाँ पे cortical spread है, cortical spread depression होगा, वो पूरा cortex में spread होगा, means कि electrical signals पूरे cortex में spread हो गया. It is also cause release of neuropeptide, जैसे कि VIP जो ये VIP substance P CGRP है, वो release हो गए और जाएंगे पूरे cortex में. Which cause vasodilation, means कि blood vessels का dilation होगा, inflammation होगा, जो cortex है पूरा वहाँ पे inflammation means कि meninges भी बोलते हैं उसको, then nausea feel होगी patient को, and light sensitivity means कि patient light को देख के sensitive हो जाएगा, and fatigue उसको थकान महसूस होगी. The release neurotransmitter cause painful headache and nausea and inflammation. Okay, जो neurotransmitter release होता है उसकी वजह से वो उससे क्या होगा, painful headache होगा patient को और inflammation means के meninges होगा. तो ये था migraine की mechanism और neurobiology. Next है उसकी treatment. So treatment में है first तो triptans, example है sumatriptan, zolmitriptan and rizatriptan. तो ये क्या वर्क करेगा, तो inhibit neuropeptide release, जो neuropeptide release हो रहे थे three types के VIP, then sub P and CGRP, तो उसको inhibit, उसके release को inhibit करेंगे, then inhibit the pain pathway in the brainstem, जो pain pathway है brainstem में उसको ये inhibit करें, जो trigeminal nerve जो message लेके brainstem तक आते थे उसको वो inhibit करेंगे. Second है NSAIDs भी दे सकते हैं, ठीक है, NSAIDs means के non-steroidal anti-inflammatory drugs, so example है ibuprofen and naproxen sodium. Third है dietary supplement, so magnesium containing food दे सकते हैं, उसमें some fruits है जैसे कि avocado fruit, raspberries and some vegetables like cabbage. Then home remedies है normal way to treat migraine at home, तो वो तो एक dietary supplement तो आ ही जाएगा, but further put an ice pack or frozen gel pack on forehead. जैसे कि ice pack किया तो frozen gel pack आता है, उसको forehead पे रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे relief मिलेगी काफी headache में. Then caffeine present in coffee, so coffee पीने से भी it give mild relief, वो भी relief देगा थोड़ा. And sleep for 7 to 8 hours, 7 to 8 hours की sleep बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, so ये था migraine, उसकी neurobiology and treatment. Thank you for watching this video.